सर, एक भी स्ट्रॉन्ग जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पर इस मौके पर, यहाँ पर सब प्रेजेंट है, तो बताइए कि पहले तो आप जहाँ भी जाते हैं क्राउड बहुत ही बढ़ जाती है, आपके फैन हर जगह आ जाते हैं, बीइंग स्ट्रॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी ये तो अलग ही चक्कर है ना, बॉडी बिल्डिंग का चक्कर है, हेल्थ फिटनेस का चक्कर है, और हम इससे बहुत इस चक्कर से बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर हैं वो सब डाई हार्ड फैंस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे हम इंस्पायर हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनसे जो हमसे इंस्पायर हुए हैं, तो सब यहाँ पर फैंस ही फैंस भरे हुए हैं और फिटनेस फैंस भरे हैं, अच्छा लगता है। तो उन्हीं के लिए ये जो हमारा इक्विपमेंट है बीइंग स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट हमने काफ़ी टाइम पहले निकाला है, और बहुत अच्छा भी कर रहा है, काफ़ी सारे जिम्स हो गए हैं, इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, वेरी वेल प्राइस, और अब तो हमने इसको एक फिक्स प्राइस कर दिया। तो हर एक कई चक्कर होता है कि किसी को 20% डिस्काउंट मिलता है, किसी को 30% डिस्काउंट मिलता है, तो जब किसी को 20% डिस्काउंट मिलता है वो बड़ा खुश होता है, लेकिन जब किसी को 30% मिलता है वो ज़्यादा खुश होता है, और जिसको 10% मिलता है वो ऐसा लगता है कि यार मैं बेवकूफ़ बन गया। सो वी डन वन थिंग, वी केप्ट सेम प्राइस फॉर एवरीवन। सलमान सर, इतने सारे लोग आ गए आपसे मिलने के लिए, बट 3 साल पहले भी आप यहाँ पे आए थे, तब थोड़े 50-50% लोग थे, नाउ द नंबर ऑफ पीपल दैट हैव कम इन, द एथलीट्स जो आए हैं, जो फैंस आए हैं, इट्स अनबिलीवेबल। फिटनेस इज द न्यू बिग थिंग भारत में। इवन लास्ट टाइम देयर वर सो मेनी पीपल ओनली, एंड बट ये जो हमारा जो अभी बीइंग स्ट्रॉन्ग का जो एक बूथ है, हमारा स्टॉल है, इट्स वन ऑफ द बेटर वंस हियर। एंड ये सारी वर्कआउट इक्विपमेंट को देख करके, जैसे कि ये कैंडी स्टोर में चले जाते हैं लोग कपड़े, ये आपके लिए ऐसा है क्या? अब देखो ना, यहाँ पर सभी बॉडी बिल्डर्स बने हैं, सभी ऑल इन टू फिटनेस, सो दिस इज़ लाइक द प्ले ग्राउंड, दिस इज लाइक द कैंडी स्टोर। सो एंड जो हमारा इक्विपमेंट है, आई डिज़ाइन माई सेल्फ, एंड राजेश इज हियर, कम राजेश, सो वी मैन्युफैक्चर देम, सो वी आर द ओनली पीपल हु मैन्युफैक्चर द इक्विपमेंट, एंड व्हाट वी हैव डन हियर, अभी ऐसा कर दिया कि एक फिक्स प्राइस कर दिया, we have made our price fixed price, factory price, so there is no ambiguity about discount between people. In the industry, people quote 3 times higher, then they try to give the 50% discount, and we are the only manufacturer who can do that. And our aim with this to set up gyms in every single corner, every small villages, to make our country fighting fit. You know, wait, what we have to ask about the fandom moment of wanting to work with Salman bhai and work out with him. Aapne Salman sir ke sath workout kiya aur kya aap match up kar paye, because you are also very fit and strong, बट इनकी अलग लेवल की फिटनेस है। इनको देख के तो हम जागे हैं। अच्छा, इनको देख के तो हमारे में नशा आया है फिटनेस का, और जो सपना था, मिलने का सपना था, काम कर रहे साथ में, इससे बड़ा मेरे लिए, इससे बड़ी कोई गिफ्टी नहीं मेरे लिए। आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट एक्सप्लेन। सो वी ऑल्सो बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ द इक्विपमेंट, एंड हमारे पास जो इक्विपमेंट है डिज़ाइन बाई मी, डिज़ाइन बाई हेम, एंड जो प्राइस पॉइंट जो हमारे इक्विपमेंट के हैं, you know, it is like the best price point. So beauty ye hai ki hamara equipment Hindustan mein banaya hai aur unke equipment se bahut zyada behtar hai, that's a fact. And Salman ji, and sir, aapse bhi jaana chahiye, ek sawal jo hum dekhte hain aaj ke youth mein, wo kehte hain ki hum new year tak apni body double kar lenge, Diwali tak apni body double kar lenge, ye jo ek aapne apne bhi dekha hoga, ye iske liye kya kehna chahenge youth ke liye jo aisa sochte hain ki एक महीने में, एक साल में, 2 साल में बॉडी नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, हम साइड इफेक्ट के बारे में नहीं कहेंगे, आपको ढंग से एक्सरसाइज करनी है, पूरा मेहनत करना है, खून पसीना बहाना है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आप अगर गलत तरीके से बॉडी बनाने जाएंगे तो वो बॉडी आपकी टिकेगी नहीं, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करती है, और इवेंचुअली बहुत जल्दी आप निकल लो। सलमान सर, बड़ी वन क्वेश्चन, क्योंकि आजकल जो स्टेरॉइड वगैरह चक्कर चल रहा है, यही पूछना चाह रहे थे ना, हाँ, ये बहुत गलत चक्कर चल रहा है, और किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ तो क्या, बहुत सारे लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, विच इज़ रियली बैड फॉर देयर बॉडीज एंड फॉर देम, क्योंकि इससे लिवर, किडनी, हर चीज़ मींस लाइक, ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिम में एक्सरसाइज करते करते इन्होंने निकल लिए, कि हार्ट फेलियर्स हुए हैं लोगों का, तो इट इज़ नॉट द the right thing to do, it's not a good thing to do at all. So I think from steroids, stay away, protein shakes वगैरह, supplements वगैरह ठीक है, enhancers ठीक है, but ये जो इस level का steroids जो जा रहा है लोगों के अंदर, वो body तो बन जाती है, लेकिन वो दिखती है कि ये steroid की body है, natural body है नहीं, और उसके बाद वो body ज़्यादा टिकती नहीं है, और ना ही वो टिकते हैं ज़्यादा।
एक क्वेश्चन है सलमान सर, विच इज योर परफेक्ट टाइम टू वर्कआउट? लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग इज अ बिग टाइम टू वर्कआउट, लेकिन आई हैव सीन यू एनी टाइम यू स्टार्ट समटाइम्स व्हेनेवर यू गेट टाइम. अब मुझे टाइम लंच ब्रेक में मिलता है, डिनर के बाद मिलता है, सुबह को मिल जाता है, शॉर्ट के बीच में मिल जाता है, तो जब भी ऐसा लगे कि टाइम मिल रहा है एक बॉडी पार्ट में निकाल लेता हूँ. कभी स्टमक मार लेता हूँ, तो कभी चेस्ट, तो कभी लेग्स, एक एक बॉडी पार्ट कर करके मैं निकाल लेता हूँ. बिकॉज वो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि दो ढाई घंटे जिम में बिताऊँ. तो मैं जहाँ पर भी मुझे इतनी जगह मिल जाएगी, मैं वहाँ पर मेरा वर्कआउट मैं कर लूँगा. सो यू डोंट नीड के यू नीड द इक्विपमेंट, वेट्स वगैरह, जो भी दैट काइंड ऑफ फिटनेस दैट यू डू. बट अगर नहीं है ऐसी जगह पर हो कि नहीं है, तो योर ओन बॉडी इज द बेस्ट वे टू डू. अब मुझे अलाउ कीजिए यहाँ से जाने को. थैंक यू सो मच सर आने के लिए, एंड कंग्रेचुलेशंस विद बीइंग स्ट्रांग सर. यहाँ पे सब दबंग लोग सब के सब.